गणपति बप्पा मोरया, तो गणेश उत्सव की हर जगह हो रही है धूम। तो चलिए बनाते हैं आज उकड़े के मोदक, जो कि गणपति बप्पा को और सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ एक गिलास पानी डाल दिया, उसमें एक गिलास दूध डाल दिया है। मेजरमेंट का हिसाब जरूर रखना, जो भी कटोरे गिलास यूज़ करना वही डालना है। यहाँ पे एक चम्मच तेल डालें, अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। बस जितना दूध और पानी डाला है ना, उसी के मेजरमेंट के हिसाब से सेम क्वांटिटी में चावल का आटा डाल देना है और इसे अच्छी तरह से इस घोट देना है। यानी अच्छी तरह से इसे, जब तक इसका पानी सूख न जाए ना, तब तक इसे अच्छी तरह से चला देना है। इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे इस तरह से मिला लेना है। बस अभी जब अच्छी तरह से घुट जाए ना, यानी 2 से 3 मिनट का समय लगता है इसमें, इसे अच्छी तरह चला देना और ढक कर इसे छोड़ देना है 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ा ठंडा हो जाए हाथ का, मतलब जो गर्मी इसके हाथ सह सके। चलिए अब चलते हैं वो इसका सारण तैयार करते। तो यहाँ मैंने फ्रेश कोकोनट लिया, उसे तोड़ रही हूँ मैं, और इसका पानी इस तरह से निकाल लिया मैंने। तो फ्रेश है ये अभी, और मार्केट से लेकर ही आई हूँ। तो बस इसे तोड़ कर इसे इस तरह से निकाल कर ना कद्दूकस कर लिया। कई लोग ना इसे कुछ मतलब होता है ना, हमारे हसली कहते हैं, हसली से भी महाराष्ट्र में नारियल को कद्दूकस किया जाता है, लेकिन मेरे पास वो है नहीं, मुझे उससे आता भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर कद्दूकस का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस नारियल कद्दूकस करने के बाद 1 चम्मच कढ़ाई में तेल डाला है, और नारियल को इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से इसे 2 से 3 मिनट तक ना हम इसको पकाएंगे। यानी इसका मॉइस्चर जब तक सूख ना जाए तब तक इसे भुनेंगे, यानी फ्राई करेंगे। बहुत ईजी है उकड़े के मोदक बनाना। हाँ, छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करना। मुझसे तो एक गलती हो गई थी, और वो गलती आप मत करना, मैं यहाँ बताना चाहूँगी। इसके लिए वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो ज़रूर पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने कमेंट्स जरूर देना। चलिए, जितना नारियल था उतनी क्वांटिटी में गुड़ डाला है, मिठास अपने अकॉर्डिंग रखिएगा जितना मीठा आप खाते। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है मैंने यहाँ पर। हाँ, आपको ड्राई फ्रूट पसंद, थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं डाले हैं फिलहाल। मैं सिर्फ नारियल का ही सारण इस तरह से बना रही हूँ। आप काजू बादाम कोई बारीक क्रश करके इसमें डाल सकते हो। तो अच्छी तरह से गुड़ को मेल्ट करने तक मैंने इसे पकाया है, जब तक कि इसमें बोलते ना इस तरह से पूरा गुड़ और नारियल एक नहीं हो गया। उस तरह 2-3 मिनट स्लो फ्लेम पर ही इसे पका लिया। ये देखो, अच्छी तरह से पकाने के बाद बस अब इसे कर लेंगे ठंडा। और चावल का आटा जब मेरा थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसे एक बड़ी परात में निकाल लिया है, और इसे ना फिर हम मलेंगे। हाँ, मुझसे क्या गलती हुई थी वो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। एक्चुअली मैंने चावल का आटा जब डाला था तो सेम क्वांटिटी में डालना था, और मेरे माइंड से स्किप हो गया था, और फिर मैंने बाद में ऐड किया था। तो वो गलती आप मत करना, साथ में ही ऐड करना। चलो ठीक है, अब आटे को इस तरह से मसल रही हूँ। तो इसके लिए आप कोई भी पोटैटो मैशर या पाव भाजी मैशर ले लेना, इस तरह से मसलना, क्योंकि इस आटे को घोटना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 2-4 मिनट का समय लगेगा आपका। फिर इस तरह से थोड़ा सा घी लगाकर इस आटे को फिर चिकना करना। चलिए, इस तरह से मैंने चिकना कर लिया, और इसमें 5-7 मिनट मैंने लगाए हैं। अच्छी तरह से आटे को मसला है, और इस आटे को अगर बनाना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको इसे मसलना बहुत ज़रूरी है, ये प्रोसेस ज़रूर करना। चलिए, आटा अच्छी तरह से मसल लिया है मैंने। पहले तो कोशिश की थी हाथ से बनाने की, फिलहाल मुझसे हाथ से नहीं बने, फिर मैंने सांचे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पहली बार मैं भी बना रही थी ये, लेकिन परफेक्ट बने थे। चलिए, मैं तो ले आई हूँ सांचा, और किचन प्लेटफॉर्म से उतर कर मैं बैठ गई हूँ ज़मीन पर, क्योंकि मोदक बनाने का एक सांचा भी आता है, तो उसी का इस्तेमाल करके मैं मोदक बनाऊंगी। तो इस तरह से पूड़ी के आकार में मैंने रोटी बना ली थी हाथ से, और इस तरह से पूरन भरकर सांचे में मैंने उसे इस तरह से बना लिया। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये, और इसी तरह से बस और भी मोदक मैं तैयार कर लूँगी। तो सांचे की सहायता से बहुत आराम से आप बना सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो, नहीं आता है आपको, तो कोई भी टेंशन नहीं है, मार्केट में इजीली आपको मोदक बनाने वाले सांचे मिल जाते हैं। फिलहाल मैंने ये छेद वाली थाली पहले ही रख दी थी गैस पर, पानी के पतीले के ऊपर और केले के पत्ते के ऊपर। इस तरह से मोदक को मैं रख दूंगी स्टीम करने के लिए, और जब तक इतने स्टीम होंगे मैं बाकी बनाकर भी इनके ऊपर रख देने वाली हूँ। केले के पत्ते नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही स्टीम कर लेना। चलिए, लेकिन इस तरह से स्टीम करने से ना मतलब ये चिपकते नहीं है नीचे, और अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो बस अब मैं इसे 10 से 12 मिनट स्टीम करूँगी, और भी मोदक बना के मैंने रख दिए थे, तो इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, इस तरह जब हाथों से चिपके नहीं ना, तो समझ लो आपको मोदक परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। ये देखो, मैं पूरी अच्छी तरह से चेक करके दिखा रही हूँ आपको। बस इसके बाद मैंने इसे निकाला, ठंडा किया और सर्व किया। ये देखो, हमारे उकड़ी के मोदक हो गए तैयार। बस कुछ ही स्टेप में बहुत आसानी से बहुत इजीली बन जाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर शेयर जरूर करना। मेरी वीडियो पसंद जरूर आई होगी आप।